हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज की वीडियो में हम माला बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें 12 mm की वाइट मोती चाहिए होगी। हमें वाइट कलर की मीडियम साइज की लीची मोती चाहिए। गोल्डन डिज़ाइनर मोती चाहिए होगी। 10 mm की गोल्डन मोती चाहिए होगी। इस तरह की बिग साइज की लीची मोती चाहिए होगी। इस तरह के हमें गोल्डन रिंग चाहिए होगी। डार्क रेड कलर की क्रिस्टल, इस तरह की हमें गोल्डन रिंग चाहिए होगी। गोल्डन फ्लावर कैप, 6 नंबर गोल्डन मोती, कुछ 4 नंबर के गोल्डन मोती चाहिए। माला बनाने के लिए हमें इस तरह के धागे लगेंगे। बिग साइज के निडल चाहिए होगी। ग्लू चाहिए और रिबन चाहिए हमें। माला बनाते समय आपको जिस साइज के रिबन आपको रखनी है, आप उस साइज के रिबन को ले सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम में जो पिन लगी हुई होती है, उसके लिए हमने यहाँ रिबन लिया हुआ है। ये साटन की रिबन है। इसकी लंबाई 6 इंच की है। सबसे पहले हम यहाँ हाफ इंच हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ धागा डाल लें। धागे में आप नॉट लगा लें। हमने यहाँ नॉट लगा लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिग साइज के लीची मोती को यहाँ ऐड करेंगे। माले में लीची मोती डालने के बाद आप 6 नंबर मोती हम 3 पीस ऐड करेंगे। यहाँ गोल्डन रिंग में सुई को यहाँ डालकर हमने यहाँ कुछ 6 mm के वाइट मोती भी लिया हुआ है। यहाँ रिंग में धागे को डालकर 6 नंबर वाइट मोती, एक गोल्डन रिंग और रेड क्रिस्टल हमने यहाँ ऐड किया है इस तरह। फिर से हमें 3 पीस यहाँ गोल्डन मोती डाल दिए। अब हमें 12 नंबर वाइट मोती 8 पीस डालने हैं। फिर से 3 पीस गोल्डन मोती डालनी है। 6 नंबर 3 पीस गोल्डन मोती डालने के बाद एक फ्लावर कैप हमें इस तरह डालनी है। गोल्डन डिज़ाइनर मोती को यहाँ डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह की गोल्डन मोती न है, अगर आपके पास इस तरह की गोल्डन मोती नहीं है, तो आप यहाँ लीची मोती को भी डाल के तैयार कर सकते हैं इस तरह। इस तरह से यहाँ 3 पीस गोल्डन मोती को डालनी होगी। 8 पीस 12 नंबर मोती फिर से 3 पीस 6 नंबर गोल्डन मोती रिंग को डालें। फिर से हमने यहाँ ऊपर की ओर जिस तरह डाले थे, एक वाइट फिर रिंग मोती और रेड क्रिस्टल, तो नीचे हम सबसे पहले रेड क्रिस्टल को क्रिस्टल डालने के बाद आप यहाँ रिंग, गोल्डन रिंग और 6 नंबर वाइट मोती को डालकर यहाँ कैप से
या धागे को पास कर लें। फिर से हम 3 पीस 6 नंबर गोल्डन मोती डालकर एक फ्लावर गोल्डन फ्लावर को हम यहाँ ऐड करेंगे। अब नीचे की ओर आप चाहें तो लीची मोती या फिर इस तरह की गोल्डन मोती को आप डाल सकते हैं। टू पीस हम यहाँ गोल्डन मोती को डालेंगे। 12 नंबर वाइट मोती, एक गोल्डन रिंग, 10 नंबर गोल्डन मोती, फिर से एक रिंग डालें और एक मीडियम साइज की लीची मोती को डालकर यहाँ हम लटकन तैयार करेंगे इस तरह। 4 नंबर यहाँ गोल्डन मोती को यहाँ हम डालेंगे और 4 नंबर गोल्डन मोती को आप नीचे की ओर रखें और इस तरह यहाँ से फिर से आप सुई को पास करें। इस तरह एक साइड की यह माला तैयार हो गई है। फिर से हमें इस तरह ही पूरी रिपीट करनी है। यहाँ हम आखिरी में यहाँ इस तरह लीची मोती ऐड करने के बाद यहाँ हम साटन रिबन को इस तरह यहाँ सीधी ओर 1/2 इंच इस तरफ से हम मुड़ेंगे और इस ओर हम इस तरह मोड़ के इस पे रखेंगे। यहाँ वापस से हम लीची मोती से धागे को बाहर निकाल लिए हैं और हमें इस तरह से ही फिर रिपीट करनी है। हमें यहाँ 3 लर की माला तैयार करनी है, तो हमें इस तरह ही फिर से मोतियों को रिपीट करनी है।
धागा अगर छोटी पड़ जाए तो आप यहाँ धागे को कट कर लें, तो आप हम यहाँ एक मोती को बाहर निकाल के यहाँ नॉट लगा लेंगे। ये बड़ी मोती है तो यहाँ धागा छुप जाएगी, यहाँ थोड़ी ग्लू लगा लें जिससे धागा सिक्योर हो जाए। अभी धागा बिल्कुल ही छुप गई है, अब यहाँ हम एक और लटकन को तैयार करेंगे। तो दो टू पीस गोल्डन मोती 6 नंबर, 12 नंबर वाइट मोती, 12 नंबर वाइट मोती, एक गोल्डन रिंग, 10 नंबर गोल्डन मोती, एक गोल्डन रिंग चाहिए और एक मीडियम साइज की लीची मोती। एक 4 नंबर की यहाँ गोल्डन मोती डालें और इस 4 नंबर की मोती को आप नीचे की ओर कर लें और यहाँ से धागे को बाहर निकाल लें। अब हमें फिर से इस तरह ही रिपीट करनी है। यहाँ एक बार फिर से नॉट लगा लें। दीपावली आने वाली है तो आप बड़े बड़े तस्वीर के लिए इस तरह के माला को तैयार कर सकते हैं। आपको जिस भी साइज के माला तैयार करनी है आप मेज़रमेंट लेके इस तरह के माला को आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 लड़की माला तैयार किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ एक और लर यहाँ तैयार कर सकते हैं 3 लर की माला को। अब यहाँ धागे में नॉट लगा के कट कर लेंगे। माला बनकर तैयार हो गई है। अगर आप फोटो फ्रेम के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से आप हैंगिंग को लगा सकते हैं साटन रिबन से, या फिर अगर आप मूर्ति के लिए तैयार करना चाहते हैं तो रिबन को थोड़ी लंबी रखें इस तरह से
और फोटो फ्रेम के लिए भी करना चाहे तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं बड़ी रिबन को। तैयार माला की जो मेज़रमेंट है पूरी लटकन तक यहाँ 17.5 इंच है, और अगर आप माला की लंबाई देखनी चाहते हैं तो यहाँ माला की तैयार लंबाई 14.5 इंच की है और लटकन 3 इंच की है। दीपावली आने वाली है तो आप इस तरह से माला को तैयार कर सकते हैं। किसी भी साइज के फ़ोटो फ्रेम के लिए आप इस तरह के माला को तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।